कल जो यहाँ पे पिलानी पे कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता एक तरह से प्रचार कर रहे थे, वो चिकित्सा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उकसावे पे कि जनता निपटेगी, उसी जनता को हम समझाने निकले हैं। डॉक्टर तो लोग भगवान कहते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि डॉक्टर्स को तो भगवान कहते हैं, तो भगवान की तरह व्यवहार करना चाहिए। अब ये चुनाव नजदीक है तो एक फ्री का झुंझुना लेके आ गए जिसके बेस पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इसमें डॉक्टर्स के कंसल्टेशन से आया है, ठीक है, सर्वसम्मति से आया है, उनको समाधान निकल जाएगा। जनता परेशान ही नहीं, जनता अब चिंतित होने लगी है कि हमारा इलाज डॉक्टर्स क्यों नहीं कर रहे। आरटीएच बिल पर सरकार और निजी चिकित्सकों के बीच दूसरे दौर की बैठक भी विफल रही। डॉक्टरों की हड़ताल अभी भी जारी है। आरटीएच बिल के विरोध में अब निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने जन जागरण के लिए मशाल रैली आयोजित की है। यह रैली जयपुर से शुरू हुई और आज पिलानी पहुंची। रैली डॉक्टर एल के शर्मा व डॉक्टर सुभाष भारद्वाज की अगुवाई में चिड़ावा लोहर बाईपास पर कल्पवृक्ष अस्पताल के सामने पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टरों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार के बहकावे में आकर कांग्रेसी डॉक्टरों का विरोध कर रहे हैं। पिलानी में कल डॉक्टरों के विरोध में हुई रैली पर भी प्रतिक्रिया देकर उनको कांग्रेसी होने का आरोप लगाया। वहीं पिलानी विधायक ने भी इस बिल पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया इंक न्यूज पर दी। मशाल जुलूस डॉक्टर सरवण चौधरी जयपुर से लेके निकले हैं, उसी को सीकर होते हुए झुंझुनू के आज समस्त कस्बों में जाते हुए और अभी शाम को चूरू में हैंडओवर करेंगे। इस मशाल जुलूस का एकमात्र मकसद है कि चिरंजीवी पोल खोल यात्रा है। माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह का भ्रामक प्रचार जनता के बीच में करते हैं कि हम 850 रुपए प्रीमियम में निजी क्षेत्र के अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, हम जनता को जगह जगह ये जाके बताते हैं कि इस तरह का जनता के साथ छलावा किया गया। 850 रुपए प्रीमियम लेने के बाद में जब इलाज के लिए निजी क्षेत्र में गए तो उनको पता लगा कि ये पैकेज तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल के लिए आरक्षित है, तो जनता को ये लगा कि हम तो ठगे गए एक तरह से। हमें तो ये भ्रामक प्रचार किया गया कि अब 850 रुपए में आम आदमी प्राइवेट अस्पताल में इलाज ले पाएगा और बीपीएल के तो वो भी सरकार देगी, लेकिन दोनों ही श्रेणी के लोग जब इलाज के लिए पहुंचे तो उनको पता लगा कि 80% पैकेज तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। 10 अरब रुपए तो राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना के माध्यम से सरकारी अस्पतालों के खाते में डाल लिए। तो आम आदमी को ये चीज समझाने हम निकले हैं कि ये जनता के लिए झूठे भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इनका मकसद आम आदमी को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में तो पहले ही सब चीजें निःशुल्क उपलब्ध थी, दवा उपलब्ध निःशुल्क थी, जांच उपलब्ध निःशुल्क थी, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, अब ये चुनाव नजदीक है तो एक फ्री का झुंझुना लेके आ गए जिसके बेस पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। हम राजस्थान की जनता को आगाह करते हैं कि इनके झूठे बहकावे में नहीं आए, इनके उकसावे में नहीं आए। कल जो यहाँ पे पिलानी पे कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता एक तरह से प्रचार कर रहे थे, वो चिकित्सा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उकसावे पे कि जनता निपटेगी, उसी जनता को हम समझाने निकले हैं और उस जनता को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि डॉक्टर करण, डॉक्टर हरि सिंह सांखला जैसे यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उनसे बड़ा यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है, जिनके अस्पताल के उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वयं पधारे थे। तो कांग्रेसी सर पिलानी में आज रैली निकली थी डॉक्टरों की और जयपुर से मशाल एक जुलूस उनका चुरू के लिए रवाना हुआ था, वो पिलानी होकर के निकला था। उन्होंने पिलानी में डॉक्टर्स ने आरोप लगाया है कि अशोक गहलोत जी बहका रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो डॉक्टरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आमजन नहीं है उनमें। देखिए मैं आपको बताऊं, राइट टू हेल्थ जो बना है, जो कांग्रेस सरकार ने अकेले ने नहीं बल्कि ये राइट टू हेल्थ सभी लोगों ने सहयोग किया है और ये निर्विरोध रूप से पारित हुआ है और सभी जो दल हैं वो इस बात से संतुष्ट हैं कि गरीबों का, निर्धनों का, असहाय लोगों का जिनके पास कोई साधन पूरा नहीं है उनका इलाज होना चाहिए और फिर उनके इलाज का पैसा राज्य सरकार पुनर्भरण कर देती है। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि आरटीएस जो है वो एक बहुत कल्याणकारी कदम है और बहुत अच्छा कदम है। जनता जगह जगह इसकी प्रशंसा कर रही है, आम जन इसकी प्रशंसा कर रहा है, इसलिए इसमें तो कोई बात ही नहीं। आपने बताया कोई रैली या मशाल जुलूस की बात है, तो मैं तो आज था तो यहीं पर, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ दुर्भाग्य से कोई डेथ थी या कोई कैजुअलिटी तो कोई नहीं, डेथ ही हुई है,
तो उनके यहाँ सांत्वना देने के लिए मैं तो गया हुआ था। वो आपके माध्यम से मुझे ये बताया गया है कि कोई रैली निकली है, वो निकला है। तो देखिए, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है हमारे देश में, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, उसके कई तरीके हैं, धरने हैं, प्रदर्शन है, रैली है, मशाल जुलूस है, वो कहते हैं, उनका अधिकार है, करना चाहिए। जिन पॉइंट्स पर डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, रैली प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, तो क्या उन पर सरकार को जल्द से जल्द इस पे समाधान नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें इन दोनों के बीच में जनता परेशान हो रही है सर। देखिए, जनता परेशान ही नहीं, जनता अब चिंतित होने लगी है कि हमारा इलाज डॉक्टर्स क्यों नहीं कर रहे। हॉस्पिटल है, दवाई है, डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, और फिर भी बीमार आदमी ऐसा है महसूस करे, ये महसूस करे कि हमारा कोई इलाज ही नहीं कर रहा है, तो थोड़ी स्थिति गंभीर तो है ही। और सरकार की, जहाँ तक आपने बात करी, सरकार तो बात करने के लिए तत्पर है, हमेशा तैयार है। आपको मैं आपका जानकारी दूं कि डोटासरा साहब, जो हमारी कांग्रेस पार्टी के राज्य के अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने भी डॉक्टर साहब से, सभी लोगों के, उनके प्रतिनिधियों से बात की है, बातचीत चल रही है। देखिए, बातचीत चलती है तो कई बार के दौर होते हैं, राउंड होते हैं, और उन राउंड्स में कोई ना कोई समाधान निकलता है। समस्या का समाधान बातचीत करने से ही निकलता है, और ये समाधान निकलेगा। आरटीएच एक बहुत अच्छी तरह सोच समझ करके गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और इसमें एक और बता रहा हूँ आपको, जो सदस्य थे प्रवर समिति में भी, उनमें भी, और दूसरी जो समिति बनी है इसको ड्राफ्टिंग करने के समय, अधिकतर डॉक्टर्स ही थे। डॉक्टर्स अपने बात को अच्छी तरह समझता है, और उन्होंने जो बनाया है सोच समझ के बनाया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर हेल्थ सेक्टर है उसको सरकार ही अपना मजबूत बनाए ना, हम पर क्यों थोप रही है। हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए, आम आदमी को अच्छा इलाज दिलाने के लिए ही तो आरटीएस लाया गया है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। दूसरा, मैं एक और कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि बात कोई भी किसी चीज का जो निदान होता है, निवारण होता है समस्या का, या आइस ब्रेक होता है, मतलब बात आगे बनती है, तो आपस में बैठने से ही निकलता है। अगर कोई बात इनको नहीं जम रही हो, तो जो जिनसे बात इनकी हो रही है उनको अपना आइडिया देवे, अपना सुझाव देवे, और वो सुझाव गवर्नमेंट तक जाए। गवर्नमेंट बात करने के लिए कहाँ तक, कहाँ मना कर रही है, और उनके जो सुझाव कोई ऐसे आएगा जो गवर्नमेंट मान सकती है, तो मेरे विचार से सरकार बहुत संवेदनशील भी है, और सरकार आम आदमी के प्रति भी है, और डॉक्टर्स को भी बहुत रिगार्ड करती है। डॉक्टर तो लोग भगवान कहते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि डॉक्टर्स को तो भगवान कहते हैं, तो भगवान की तरह व्यवहार करना चाहिए। भगवान ही अगर नाराजगी रखेगा जनता के प्रति, तो फिर उसका मालिक कौन होगा। इसलिए बात कोई है तो बात करके जरिए इसको निपटना चाहिए। आरटीएच बहुत अच्छा, उसमें और कोई बात इनको कहनी है तो अपनी बात सरकार से। डॉक्टर्स कह रहे हैं एम्बुलेंस एक डॉक्टर को प्रोवाइड करवानी होगी, उनके इस कानून में है, तो कह रहे कि अगर 108 ही हमें दे दी जाए गवर्नमेंट में, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लगाइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल में? किसी भी हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल को कहा गया है कि आपको प्राइवेट एम्बुलेंस देनी ही पड़ेगी। ये भी तो एक बात है, ये बात भी तो बात के दौरान ही बोलनी चाहिए उनको, और वो सरकार के पास कंसिडरेशन में जानी चाहिए। मुख्यमंत्री बहुत विजनरी है, बहुत सोचने वाला है, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है बहुत आगे के सोचने वाला आदमी है, और वो बता रहा है बात करें, ये सारे सुझाव आपने बताए, तो मेरे विचार से कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स को जनता भगवान मानती है। एक तो भगवान है, जीवन देता है, दूसरा जीवन को बचाने वाला, उनकी रक्षा करने वाला डॉक्टर होता है, उनके लिए भी जनता के मन में आज भी बहुत विश्वास है, बहुत इज्जत है। तो उस इज्जत का, विश्वास का ध्यान में रखते हुए जनता के जीवन की डॉक्टर्स को चिंता करनी चाहिए। अपनी कोई बात कहनी हो तो वार्ता के दौरान, एक प्रतिनिधि सरकार का हो, एक प्रतिनिधि, दो प्रतिनिधि, चार प्रतिनिधि डॉक्टर्स का हो, वो बैठ के आपस में बात करें। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा, और वातावरण हमारे देश में स्वास्थ्य के बारे में, हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है, और जनता को भी उम्मीद है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, आज अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत घूम के आया हूँ, जगह जगह भी ये बात आई है। लोगों को कहना है कि डॉक्टर्स जो है वो हमारे बारे में बहुत जल्दी सोचेंगे, और सरकार भी हमारे बारे में सोच चुकी है, तभी तो आरटीएस लाई है, और आरटीएस भी डॉक्टर्स के कंसल्टेशन से आया है, ठीक है, सर्वसम्मति से आया है, उनको समाधान निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।